तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक धमाकेदार वीडियो में। और यहाँ पे आज हमारे पास है मीवी की तरफ से आने वाला मीवी Q80 जो आता है 80 वॉट का साउंड बार। यहाँ पे आपको मिलता है सराउंड साउंड और ड्यूअल ड्राइवर का सपोर्ट भी। तो करेंगे इसका यहाँ पे अनबॉक्सिंग, डिटेल टेस्टिंग और साउंड टेस्ट करेंगे, चेकआउट करेंगे कैसा यहाँ पे आपको साउंड एक्सपीरियंस, बीज इफेक्ट जो है वो कैसा यहाँ पे मिल जाता है, क्या ये सही रहेगा प्राइस के हिसाब से या नहीं। और हाँ, ऐसे ही और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। सो प्रजय हियर, वेलकम टू अर्जुन टेक एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो दोस्तों, कुछ इस तरीके से पैकिंग में हमें मिल जाता है मीवी फोर्ट Q80 80 वॉट का साउंड बार। यहाँ पे आपको मिलता है 2.2 चैनल का सराउंड साउंड, ब्लूटूथ वर्जन 5.0। यहाँ पे आपको मिलेगा 80 वॉट का साउंड आउटपुट विद फुल्ली फीचर रिमोट। कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ, ऑक्स और USB दिख जाएगा। ड्राइवर साइज यहाँ पे आपको मिलता है 50mm का, तो दो ड्राइवर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और ये प्राउडली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और यहाँ पे आपको 1 ईयर का वारंटी जो है वो भी दिख जाएगा। तो बॉक्स को यहाँ पे ओपन करते हैं इसको, और कुछ इस तरीके से ये ओपन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपका रिमोट कंट्रोल, देन यहाँ पे थोड़े बहुत जो डॉक्यूमेंटेशन है, यूज़र मैनुअल, वारंटी कार्ड, तो वो सब यहाँ पे मिल जाएगा। एक छोटा सा यहाँ पे आपको बॉक्स मिलता है जहाँ पे आपको बाकी सारी जो एक्सेसरीज है, कनेक्टिंग है, पावर अडेप्टर है, केबल है, ऑक्स केबल है, तो वो सब यहाँ पे दिख जाएगा। साथ में आपको यहाँ पे जो बैटरी है वो भी मिलता है। बाहर निकाल देते हैं साउंड बार को, तो कंप्लीट यहाँ पे आपको पैकिंग के अंदर ही मिलेगा। तो पैकिंग को यहाँ पे हम ओपन कर देते हैं। सो कुछ इस तरीके से आपको साउंड बार मिल जाएगा। पीछे यहाँ पे आपको वॉल माउंटिंग का ऑप्शन जो है वो भी दिख जाएगा। तो प्लास्टिक जो है यहाँ पे लगा हुआ है, उसको यहाँ पे हम रिमूव करते हैं। और ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको ये दिखेगा। यहाँ पे आपको वॉल माउंटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे पोर्ट दिख जाएंगे, 20 वॉट ऑक्स, यहाँ पे आपको कोएक्सियल केबल एंड USB का जो ऑप्शन है वो दिख जाएगा। और नीचे यहाँ पे आपको मिलते हैं वाइब्रेशन के लिए शॉक एब्जॉर्बर वाले पैड। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाता है मीवी फोर्ट Q80 80 वॉट का साउंड बार विथ ड्यूअल ड्राइवर। सो यहाँ पे आपको जो एडेप्टर है वो मिल जाएगा, और काफ़ी लंबा यहाँ पे जो एडेप्टर का केबल है वो यहाँ पे मिलता है। तो एडेप्टर को यहाँ पे हम अटैच करते हैं और इसको यहाँ पे कर देते हैं पावर ऑन। सो जैसे हम इसे यहाँ पे प्लग इन करेंगे तो आपको यहाँ पे आवाज़ आएगा पावर ऑन, ब्लूटूथ मोड ऑन। और यहाँ पे जो ब्लू लाइट है पेयरिंग के लिए ब्लूटूथ का, वो यहाँ पे टर्न ऑन यानी कि ब्लिंक हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पे लुक, बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन के ऊपर, तो जैसे यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, ग्लोसी फिनिश यहाँ पे आपको मिलता है जो प्रीमियम लुक प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आपको मिलता है मेटल फ्रेमिंग, अंदर यहाँ पे LED इंडिकेटर भी दिख जाएगा। अगर साइड की बात करें तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे साइड व्यू के अंदर ये दिखेगा, और यहाँ पे भी आपको ग्लोसी लुक जो है वो मिल जाता है। काफ़ी यहाँ पे लाइट इन वेट है, इजीली आप इसे यहाँ पे कैरी कर सकते हो। और हाँ, यहाँ पे आपको वॉल माउंटिंग का ऑप्शन भी मिलता है, तो आप इसे यहाँ पे TV के नीचे जो वॉल है उसके साथ अटैच कर सकते हो, या तो फिर इसे पोर्टेबल भी यूज़ कर सकते हो। मोबाइल में फर्स्ट टाइम कनेक्ट करने के लिए आपको जाना है ब्लूटूथ के अंदर एंड देन पेयर न्यू डिवाइस, और यहाँ पे आपको अवेलेबल डिवाइस के अंदर मिल जाएगा मीवी फोर्ट Q80। मेक श्योर करना है यहाँ पे जो ब्लू लाइट है वो ब्लिंक कर रहा है, तभी ये कनेक्ट हो पाएगा। अगर बात करें यहाँ पे रिमोट को लेके, तो कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा पावर ऑन ऑफ बटन, देन यहाँ पे आपको नेक्स्ट, प्रीवियस, देन वॉल्यूम कंट्रोल जो है दिख जाएगा, प्ले पॉज। यहाँ पे आपको डेडिकेटेड मोड बटन मिलता है जहाँ से आप मोड को स्विच कर सकते हो, मूवी मोड, न्यूज मोड, देन म्यूजिक मोड। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से, जैसे कि आप टीवी के अंदर न्यूज़ देख रहे हो तो वो हिसाब से इसे स्विच कर सकते हो, म्यूजिक सुन रहे हो तो वो हिसाब से, या तो फिर अगर मूवी प्ले कर रहे हो तो सराउंड साउंड के लिए यहाँ पे आप मूवी मोड को सिलेक्ट कर सकते हो। सो दोस्तों, यहाँ पे हमने जो मीडिया वॉल्यूम है उसको यहाँ पे 100% जो है वो सेट कर दिया है, और इसको यहाँ पे बेटर म्यूजिक एक्सपीरियंस के लिए ईयरबड्स या तो फिर हेडफोन जो है उसके अंदर लिसन कीजिए, तो आपको यहाँ पे जो साउंड क्वालिटी है, बेस इफेक्ट है, उसका यहाँ पे पता लग पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं।
मानवता को सर्वनाश से बचाने के लिए आपको आना ही होगा। तो दोस्तों अगर फाइनली बात करें यहाँ पे साउंड एक्सपीरियंस को लेके तो भाई काफ़ी मज़ा आया। यहाँ पे जो मूवी मोड है भाई काफ़ी गजब का है। सराउंड इफेक्ट के साथ यहाँ पे आपको मिलता है जो ट्रेबल है मिड टोन से और यहाँ पे जो बेस इफेक्ट है। सो दोस्तों अगर फाइनली बात करें यहाँ पे साउंड एक्सपीरियंस को लेके तो भाई काफ़ी धमाकेदार यहाँ पे आपको साउंड एक्सपीरियंस जो मिल जाता है। इनफैक्ट यहाँ पे जो मूवी मोड है भाई काफ़ी गजब है। जैसे हमने यहाँ पे आगे एक्सपीरियंस किया मूवी के अंदर आपको मिलता है सराउंड इफेक्ट और काफ़ी गजब का यहाँ पे आपको मूवी एक्सपीरियंस मिल जाता है। ट्रेबल मिड टोन्स काफ़ी क्रिस्टल क्लियर है और यहाँ पे आपको मिलता है एक थंपिंग वाला बेस इफेक्ट। इनफैक्ट यहाँ पे 100% वॉल्यूम के ऊपर भी जो साउंड है वो थोड़ा सा भी डिस्टर्ब नहीं होता है, तो ये मुझे काफ़ी सही लगा। काफ़ी कॉम्पैक्ट है, काफ़ी हल्का है, आप इसे वॉल माउंट के अंदर भी यूज़ कर सकते हो और हाँ पोर्टेबल है तो आप ब्लूटूथ से भी इसे कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिलते हैं ड्यूअल ड्राइवर्स एंड मेड इन इंडिया विथ 1 ईयर वारंटी, तो काफ़ी गजब का यहाँ पे जो साउंड एक्सपीरियंस है वो मिल जाता है। और हाँ इसका जो परचेज लिंक है वो भी मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे। आज के वीडियो बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।